थैंक यू दी, मैं बहुत खुश हूँ आज ये पार्सल रिसीव होकर, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। आपको पता है मैं कितने दिन से ये पार्सल के लिए आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वन, एंड ये अराउंड 8 to 9 days ही लगा फ्रॉम इंडिया टू यूके आने के लिए। आई एम सो हैप्पी, लिटरली नो वर्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। आपके पैकिंग के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रीमियम पैकिंग है। ये किसी भी कॉर्नर से एकदम बिल्कुल भी फटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा डस्ट तक बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने उसको, ये बॉक्स को उल्टा पुल्टा करके हिला के भी देखा, पर कोई भी प्रोडक्ट अंदर से थोड़ा भी आ रहा नहीं है बाहर। इतना अच्छा पैकिंग है, आपने बहुत अच्छे से पैकिंग किया है। आपकी जो इंटरनेशनल सर्विस है बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि बहुत जनों तक ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्री में बहुत सारे इंडियंस है, और बहुत है ही बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस भी है जो नाकुमट यूज़ करते हैं, तो उनके उनके सब जगह ये पहुंचनी चाहिए कि इंटरनेशनल इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मस्ट ट्राई एवरीवन, बहुत अच्छी पैकिंग है लिटरली। मुझे तो बहुत टेंशन था ये बॉक्स के बारे में, क्योंकि हम जो इतनी महंगी पैसा 12-13 हज़ार लेके जो ट्रॉली बैग लेते हैं वो तक टूट जाता है, तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट के सिलसिले में बॉक्स को कुछ हो ना जाए, पर बॉक्स इज लिटरली फाइन, नो नॉट इवन अ स्क्रैच इन द बॉक्स। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू सो मच। और ये है अंदर की पैकिंग, एकदम अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अंदर भी देखो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, प्रोडक्ट आपने जैसा पैक किया है वैसा ही आज इधर तक आया है। देखो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं निकल रहा है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत प्रीमियम पैकिंग है, बहुत प्रीमियम, थैंक यू। मैंने फिलहाल आपकी जो ये छोटी पैकिंग है सनफ्लावर के लिए पिंक नाकुमर, ये को ओपन किया है, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू तो, ओ माय गॉड। मैंने छोटा सा एक पीस में उम्र डाला, उसका जो पूरा जो मिट्टी की खुशबू है पूरी जो, ओ माय गॉड। मैं थोड़ा ये क्रंच करके बताती हूँ आपको, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुंह में डाल के घुल जा रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, थैंक यू फॉर दिस सैम्पल। और ये आपके हाफ रोस्टेड के लिए है, छोटा सा एक मैं क्रंच करती हूँ ये पीस का, बहुत सॉफ्ट है और थोड़ा कड़वा है मुझे, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मोकी फ्लेवर, मुझे थोड़ा एयर आउट करना पड़ेगा ये। एयर आउट करके मैं इसके जो एक्चुअल टेस्ट है एक बार देखती हूँ।
ये कड़वा नहीं है। बहुत अच्छा है, ग्रिटी नहीं मिल रहा मुझे अभी तो। मुझे एक लेज एयर आउट करना ही पड़ेगा, वो एक स्मोकी जो वो है फ्लेवर एयर आउट करके, इसका जो एक्चुअल ये है मैं आपको फिर से बता दूंगी। अभी ये जस्ट आने के खुशी में मैंने आपको टेस्ट करके बताया, अभी बाकी सब है मुझे वो सब बॉक्सेस में करके एयर आउट करके मैं आपको फिर से एक रिव्यू भेजूंगी। पर इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपको पता है मैं कितना, मुझे कितना क्रेविंग्स था क्ले इसके लिए, और थैंक यू सो मच।